गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जो कि सिर्फ थर्मली अलाउड होती है, फोटोकेमिकली फॉरबिडन होती है। तो ऐसा क्यों होता है उसी को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं, सबसे पहले हो गया 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो इसमें सबसे पहले हम करेंगे थर्मल इंड्यूस्ड 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन के पहले हम मैकेनिज्म रिएक्शन लिख लें। थर्मल कंडीशन में कराना है और यह है 4+2 साइक्लो एडिशन। तो ये बॉन्ड इस तरह से मूव होगा और ये इस तरह से, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है। ये और ये सिर्फ थर्मल कंडीशन में होती है रिएक्शन, ये फोटोकेमिकल में नहीं होती है, ये थर्मली अलाउड है, फोटोकेमिकली फॉरबिडन है। तो ऐसा क्यों होता है सब, तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं, ये क्या है, हमारी डाइईन है और ये क्या है हमारा डाइनोफाइल। डाइईन और डाइनोफाइल को जैसे कि ये 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन का एक और नाम है जिसे कहते हैं डाइस एल्डर रिएक्शन। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसमें हम देखेंगे डाइईन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच होती है, डाइनोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या फिर इलेक्ट्रॉन पुअर। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जैसे कि दो, एक पाई बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है। तो इसका होमो इंटरेक्ट करता है और इसका ल्यूमो अकॉर्डिंग टू होमो जो जाएगा हमारा, ये इसका होमो इसका ल्यूमो इंटरेक्ट करेगा। तो सबसे पहले हम इसको अगर हम इस तरह से बना लें, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1, 2, 3, 4। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4 हैं, वो भी नंबर ऑफ कार्बन एटम 4, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 4। तो नंबर ऑफ हमारा वेव फंक्शन कितना होगा, अगर आपने इलेक्ट्रोसाइक्लिक का समूह पढ़ा होगा तो वहाँ पर इसके बारे में काफी चीज बात हुई है। तो यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ वेव फंक्शन इक्वल टू 4। जब हमारे पास नंबर ऑफ वेव फंक्शन इक्वल टू 4 है तो सबसे पहले हम वेव फंक्शन यहाँ पर दिखा देंगे। तो इसके लिए अगर हम इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन दिखाएं, तो नंबर ऑफ हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन कितना है 4। तो इसकी अगर हम यहाँ पर अगर फिलिंग करेंगे, है हमारी थर्मल कंडीशन, ये दो, तो ये वाला अब हो जाएगा हमारा होमो और ये वाला हो जाएगा ल्यूमो। और इसमें जैसे कि हमें डाइन का क्या चाहिए, होमो, तो इसका हम बना लेते हैं ऑर्बिटल, जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो जो हम ऑर्बिटल दिखाने वाले हैं, जो ऑर्बिटल हम दिखाएंगे वो सिर्फ एंड पॉइंट पर इस पर और इस पर दिखाएंगे, यानी इस पर और इस पर। तो हम इस पाई बॉन्ड को ना दिखा करके इसको पहले से बना लें, ये साइक्लो के लिए ये हो गया हमारा, ये इस तरह से बना लेना। और पाई बॉन्ड से हमें बनाना है पी ऑर्बिटल, यानी पाई ऑर्बिटल जो हमारा है इस तरह से, ये हो गया हमारा। अब साइज इवन है, इवन वाले में क्या होता है, पहला और लास्ट वाला जो दोनों होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस, तो नीचे वाला प्लस हो जाएगा, फिर ये वाला हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा हमारा इसके लिए होमो का ये ऑर्बिटल। अब हम देख लेते हैं डाइनोफाइल के लिए, इसको ये जो डाइनोफाइल ये है हमारे पास, इसको हम बना लें तो इस तरह से, ठीक है। फिर हम इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम देख लें, हमारे पास 2 है, तो नंबर ऑफ वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, वो भी 2 हो जाएगा।
तो हम बना लेते हैं इसके लिए शाही वन, यहाँ पर इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन और थर्मल कंडीशन ये है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन साइड साइड नहीं होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो जाएंगे, तो ये वाला हो जाएगा होमो और ये वाला हो जाएगा लूमो। तो इसका होमो इंटरेक्ट करेगा ये वाला और इसका लीमो, तो ये वाला। अब हम इसका भी बना लेते हैं, हम यहाँ पर अगर ऑर्बिटल बनाए तो सबसे पहले इसको इस तरह से एक लाइन खींच लें, और ये पाई बांड हमें नहीं दिखाना है क्योंकि हमें पाई ऑर्बिटल यहाँ पर बनाना है, पी ऑर्बिटल वाला। ये साइड टू है, तो ये पहला वाला अगर हम माइनस दिखाए या फिर इसमें माइनस दिखाए और प्लस, जैसे कि इसमें साइड टू में क्या होता है, फर्स्ट वाला लास्ट वाला डिफरेंट होगा, इसमें प्लस इसमें माइनस भी दिखा सकते हैं, बस मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ताकि इसमें अभी लगे इंडस्ट्रियल कराने में आसान। ये हो गया हमारा, ये हो गया इसका होमो और ये हो गया इसका लिमो। अभी इसका होमो और इसका लिमो किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे वो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर बना देते हैं कुछ बनाएंगे, ये हो गया। अब इसका वाला अगर हम यहाँ पर दिखाएंगे, ये हो गया, तो इसमें है ये वाला प्लस, ये है माइनस, ये वाला है माइनस और ये वाला है प्लस, और ये वाला भी माइनस हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस। तो इसमें अब क्या होगा, इसका होमो इसका लोमो इंटरेक्ट करेगा, ये माइनस ये माइनस, इसमें ये जो ओवरलैपिंग होगी और ये प्लस ये जो ओवरलैपिंग होगी, इसमें सेम फेज है, ये प्लस है ये प्लस है, ये माइनस है ये माइनस है, तो ये दोनों जो दोनों के दोनों हमारी जो ओवरलैपिंग हो रही है वो हो रही है सुपरफेशियल। जब हमारी दोनों सुपरफेशियल होगी तो हमारी ये रिएक्शन थर्मली अलाउड होगी, या अभी जब हम इसको फोटोकेमिकल में कराएंगे तो इसमें एक तो होगी हमारी सुपरफेशियल, दूसरी होगी इंट्राफेशियल, तो इसीलिए फोटोकेमिकल में रिएक्शन नहीं होती है, तो यहाँ पर दोनों सुपर सुपर हो रही है, सुपरफेशियल हो रही है, ये हमारी इसीलिए थर्मली अलाउड हो जाएगी, ये भी सुपरफेशियल है। ये भी हमारी सुपरफेशियल। तो अब हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो हम देख लेते हैं फोटो इंड्यूस्ड साइक्लोएडिशन रिएक्शन। तो अब ये दूसरा हो गया है फोटो इंड्यूस्ड, अभी तक थर्मल था, फोटो इंड्यूस्ड 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन, ये सब वही है, मैं बस इसमें थोड़ा थोड़ा जो चेंज करने वाला हूँ बस वही बताना मुझे। ये जो हमारी 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन है वो HBM के कंडीशन में यानी फोटोकेमिकल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगी, नो प्रोडक्ट, यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर ये बॉन्ड ऑन का मूव नहीं होगा, जो रिएक्शन ही नहीं होगी तो इसको मूव कराने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी है डाइन, इसका होमो, ये है डाइनोफाइल, इसका लोमो इंटरेक्ट करेगा वैसे ही, लेकिन इसमें होगा ही नहीं। तो ये नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 4, नंबर ऑफ कार्बन पाई इलेक्ट्रॉन 4, नंबर ऑफ फंक्शन 4, साई 1, 2, 3। तो यहाँ पर है फोटोकेमिकल कंडीशन ना, तो अगर हम यहाँ पर दिखाएं फोटोकेमिकल कंडीशन ये थी, तो इसमें से क्या होगा, यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है, ये दो चार, ये चौथा वाला इलेक्ट्रॉन साइड हो गया यहाँ पर आ जाएगा, तो साई 3 के लिए अब हमारी क्या हो जाएगी, अभी तक ये साई 2 के लिए था, ये साई 3 के लिए आज चलोगे हमारा, तो ये वाला प्लस होगा और ये वाला भी प्लस होगा, दोनों साइड वाले प्लस हो जाएंगे, ये दोनों ये वाला भी माइनस और ये वाला भी माइनस, ये दोनों माइनस, ऊपर वाला दोनों प्लस है नीचे दोनों माइनस, ये हो जाएगा हमारा इसका ये होमो हो जाएगा, ये वाला ये डाइन का होमो हो गया। अब इसके अगर लूमो की बात करें, इसमें यहाँ पर भी एचसीयू कंडीशन नीचे कराएं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ वे फंक्शन 2, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, जब ये एचसीयू की कंडीशन में कराएंगे तो ये एक्साइटेड होकर इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पर आ जाएगा, तो इसका होमो हो जाएगा ये, लेकिन डाइन का हमें इंटरेक्ट करता है ल्यूमो, तो इसके ऊपर कोई और ट्रांजिशन है नहीं, तो यही हो जाएगा हमारा ल्यूमो। तो इस ल्यूमो के लिए अगर हम बनाएंगे ये ऑर्बिटल, ये साई 2 है, ये माइनस और ये प्लस, ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो
तो अगर हम अब इसको यहाँ पर लिखें, यहाँ पर ये प्लस, ये वाला प्लस, दोनों नीचे माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो इसको हम नीचे लाएं ऐसे, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये नीचे, ये माइनस, ये प्लस, जो इसमें इंट्रैक्शन होगा ये माइनस और ये प्लस का, वो इंट्रैक्शन ऐसे यहाँ से इंट्राफेशियल होने लगेगा, यहाँ से ये माइनस माइनस ये सुप्राफेशियल होगा, ये सुप्राफेशियल, लेकिन यहाँ ये वाला जो होगा वो इंट्राफेशियल होगा। जब दोनों हमारा सुपरा सुपरा फेशियल या दो सुपरा सुपरा इंट्रैक्शन होगा तब जाके हमारी रिएक्शन प्रोसीड होगी। और फोटोकेमिकल कंडीशन क्या हो रहा है, एक सुपरा हो रहा है, एक इंट्रा हो रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन हमारी जो है वो फोटोकेमिकल कंडीशन में प्रोसीड नहीं होती है। अब जैसे कि ये वाला है जो ये एक्चुअल में किस तरह से होता है मैं उसको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो क्या है जैसे कि इससे देखिए, सबसे पहले ये वाली जो डाइन है इतना सिस्टम हम इस पर वो प्लेन पर होता है, जैसे कि ये वाला ये डाइन वाला जो सिस्टम है बिना पाई बांध के, ये वाला सिस्टम जो है ये वाला वो इस प्लेन पर है, और इसमें ये जो वाला ये डंबल वाला आकार है वो इसको समझिए आप, इसको और इसको ये समझिए, ये डंबल वाला साइज है, तो ये प्लेन पर है और इसका डंबल एक ऐसे है और एक डंबल इसका ऐसे है। तो इसी तरह डाइन, ये डाइन हमारी, और इसी तरह हमारा डाइनोफाइल का भी होगा। तो डाइनोफाइल में जैसे कि यहाँ पर एक बांध कुछ इस तरह से ये रहेगा हमारा, जैसे कि इसमें है, और इसमें जो डंबल साइड का है तो डंबल वाला ये रहेगा, ये जो इसमें पिन लगाई हुई है इसको आप डंबल समझिए। तो ये हमारा इस तरह से डाइनोफाइल डाइन आएगा, और इसके फिर इसके बाद ये नीचे से जो इसका डाइन आएगा, फिर ये दोनों आपस में इस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। तो इसमें जो होगा सुपरा होगा तो रिएक्शन होगी, अगर एंट्रा होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो बोर्ड पर उतना समझना मुश्किल होगा, तो इस तरह से अगर समझें आप, डाइन जो होगा हमारी प्लेन पर और इसका डंबल जो होगा वो ऐसे इस तरह से ऊपर और नीचे, डाइन हमारी प्लेन पर इस तरह से, इसका डंबल जो होगा ऊपर नीचे इस तरह से, और जो डाइन हमारी डाइनोफाइल का जो होगा हमारा वो इसी तरह से होगा, और वो ऊपर रहेगा और ये नीचे जाएगी इस तरह से आकर इस तरह से इस पर इंटरेक्ट कर लेगा। तो इस तरह से हमारी ये रिएक्शन होती है। तो हो गया हमारा 4+2 साइकिल ऑडिशन रिएक्शन, थर्मली देख लिया हमने, थर्मली होती है रिएक्शन, फोटोकेमिकली नहीं होती है। तो हम देख लेते हैं 2+2 साइकिल ऑडिशन रिएक्शन, वो होती है फोटोकेमिकली, फोटोकेमिकली अलाउड और थर्मली फॉरबिडन। तो हमें अब हम उसको देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं 2+2 साइकिल ऑडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्मल इंड्यूस्ड 2+2 साइकिल ऑडिशन रिएक्शन, थर्मल इंड्यूस्ड 2+2 साइकिल ऑडिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिखते हैं 2+2 की। सबसे पहले हम करा रहे हैं थर्मल कंडीशन है 2+2 साइकिल ऑडिशन रिएक्शन। तो थर्मल में ये रिएक्शन नहीं होती है। तो अब हमें देखना है कि ये रिएक्शन नहीं होती तो क्यों नहीं होती है वो देखना है। तो ये हमारा एक हो जाएगा हमारा डाई, इसमें हमारा डाई नहीं, इसका होमो इंटरेक्ट करेगा और इसका ल्यूमो, इसका होमो इसका ल्यूमो, इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम टू है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टू, नंबर ऑफ फंक्शन भी टू हो जाएगा, नंबर ऑफ वेव फंक्शन, ये वेव फंक्शन है आप इसको समझ लेंगे, वेव फंक्शन इक्वल टू टू। तो टू वेव फंक्शन के लिए हमारे पास दो वेव फंक्शन, ये साई वन ये साई टू, इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन क्या हो जाएगी एक, ये जो और ये थर्मल कंडीशन है, पाई इलेक्ट्रॉन हमारे पास दो, ये दोनों ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा होमो, इसका हमें होमो देना, तो होमो दिखा रहे हैं ठीक है। अब इसका अगर हम ऑर्बिटल बना लें तो सबसे पहले ये ऑर्बिटल इस तरह बन जाएगा, साई वन है दोनों प्लस, पहले ऑड वाले में दोनों एंड में ये सेम होगा, ये माइनस, ये हो गया। इसके लिए अब हम इसके लिए देख लें, इसमें भी वही है नंबर ऑफ कार्बन एटम टू, पाई इलेक्ट्रॉन भी वही टू है, नंबर ऑफ वे फंक्शन भी टू। तो यहाँ पर लिखते हैं साई वन और यहाँ पर साई टू, इसके लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन ये हो जाएगा और इसके लिए ये हो जाएगा। इसको करा रहे हैं हीट कंडीशन में, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, दूसरा वाला यहाँ पर, तो इसका हमें लेना ल्यूमो, तो ये वाला हो जाएगा होमो इसके लिए,
लेकिन एक का होमो तो ये कलिमो तो लुमो इसका वाला ही हो जाएगा। तो अब इस लुमो के लिए अगर हम बनाए पाई ऑर्बिटल, ये साई इवन है, तो साई इवन वाले में क्या होगा, पहला वाला ये प्लस होगा, दूसरा वाला माइनस होगा। अब ऊपर वाला माइनस है तो नीचे वाला प्लस, ये वाला माइनस। तो अब हम इन दोनों को इंटरेक्ट कराना है, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर बनाऊँ, और इस वाले को यहाँ पर, और तो ये रहा दोनों प्लस ऊपर, ये रहा प्लस, ये रहा माइनस, ये रहा माइनस, इसमें ये रहा प्लस, फिर ये रहा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए ये माइनस सेम फेस, इसमें हो जाएगी सुपरफेसियल, यहाँ पर हो जाएगी सुपरफेसियल। लेकिन ये रहा माइनस, ये रहा प्लस, तो इसका इंट्रैक्शन इससे नहीं बल्कि इससे जाकर होगा, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी एंट्राफेसियल, एंट्राफेसियल ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारा थर्मल कंडीशन। अगर हम इसको अगर फोटोकेमिकल कंडीशन में कराएंगे तो क्या होगा, हम इसको देखते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारी फोटो इंड्यूस्ड 2+2 सर्कुलर डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हेडिंग चेंज होगी, ये नंबर 2 हो जाएगा, ये हो जाएगी फोटो, ये हो जाएगी फोटो इंड्यूस, यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर यच न्यू, ये बाउंड इस साइड मूव करेगा और ये बाउंड इस साइड, तो यहाँ पर बनेगी 4-मेंबर रिंग, ये हो जाएगा। बाकी इसका होमो इसका लीमो ये सेम रहेगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इसके लिए 2 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 है, नंबर ऑफ वेव फंक्शन ये सब सेम रहेगा, ये साई 1 ये साई 2 है। यहाँ पर हमारे ये सभी कंडीशन में होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऊपर आ जाएगा इसमें। अब हम जब इसके लिए, अब जब इसके लिए मालिकुलर पाई मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, साई 2। तो यानी कि अगर पहले वाले में अगर हम माइनस दें तो लास्ट वाले में प्लस होगा, क्योंकि इवन वाले में दोनों लास्ट वाले में डिफरेंट साइन होता है, ये हो जाएगा प्लस, इसीलिए प्लस है माइनस, ये माइनस, यहाँ पर ये वाला हो जाएगा प्लस। मैं पहले प्लस इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ ताकि इसमें बाद में जाकर दिक्कत ना करें, पहले माइनस दिखा रहा हूँ, बाकी इसको नीचे लेकर आऊंगा तब इससे सेम जाकर बैठ जाएगा। तो इसमें भी वही हो रहा है, ये भी एसयू की कंडीशन में हो रहा है। हाँ, तो इसका होमो अब ये हो जाएगा ना, इसका होमो ये, इसका होमो ये हो जाएगा, इसका पाई मालिकुलर ऑर्बिटल ये है। अब इसमें इसका होमो चाहिए तो इसका होमो भी यही है, ठीक है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जब ये वाला साइटेड होकर यहाँ पर आएगा, यही हो जाएगा होमो और यही हो जाएगा लूमो। तो इसका होमो और लूमो इंटरेक्ट कराना है, तो लूमो के लिए हमारा ये हो जाएगा, ये प्लस, इसका पाई मालिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे जब ये साई 2 है, यानी इवन है, तो फर्स्ट वाला लास्ट वाला डिपेंड होगा, ये हो जाएगा हमारा। अब हम जब इसको और इसको यहाँ पर बनाएंगे, ये रहा होमो वाला, ये होमो का है, और लूमो वाला का बनाए हम लूमो का, ये रहा, तो ये रहा हमारा पहले ये वाला माइनस, ये रहा प्लस, ये रहा ये माइनस, ये रहा ये प्लस। इसमें क्या है, ये प्लस, ये इसके बाद माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस। तो इसमें क्या होगा, ये प्लस सेम फेस, फिर ये माइनस ये भी सेम फेस। तो यहाँ पर दोनों के दोनों जो यहाँ से ओवरलैपिंग हो रही है ना, वो दोनों दोनों सुपरफेसियल हो रही है, ये वाली और ये वाली दोनों सुपरफेसियल। दोनों दोनों सुपरफेसियल हो रही है, तो हमारी जब दोनों सुपरफेसियल होती है तो हमारी रिएक्शन होगी। तो ये हो गया हमारा 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, उसमें थर्मली अलाउड होती है, फोटोकेमिकली फॉरबिडन होती है। 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन में थर्मली फॉरबिडन और फोटोकेमिकली अलाउड होती है। ये रहा हमारा कुछ साइक्लो एडिशन रिएक्शन 2+2 का। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि 4+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन, जिसे कहते हैं डाइल्स एल्डर रिएक्शन। तो आज के लिए इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें जाती है।